<سؤال> اللهم صل على محمد و آله وصحبه وسلم अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निम वाला है। बिन मैसरा ने खबर दी कहा कि मैंने नजाल बिन समरा से सुना और उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह से सुना उन्होंने कहा कि मैंने एक शख्स को कुरान की एक आयत इस तरह पढ़ते सुना के وسلم से मैंने उसके ख़िलाफ़ सुना था इसलिए मैं उनका हाथ था मैं आपकी खिदमत में ले गया आपने मेरा एतराज़ सुनकर फरमाया कि तुम दोनों दुरुस्त पढ़ते हो शोबा ने बयान किया कि मैं समझता हूँ कि आपने यह भी फरमाया कि इख्तलाफ न किया करो क्योंकि तुमसे पहले के लोग इख्तलाफ ही की वजह से तबाह हो गए सही बुखारी हदीस नंबर दो हज़ार चार सौ दस इब्राहिम बिन साद ने बयान किया उनसे इब्ने शहाब ने उनसे अबू सलमा और रहमान आरज ने और उनसे से अबू हुरेरा रजी अल्लाहों ने बयान किया कि दो शख्सों ने जिन में एक मुसलमान था और दूसरा यहूदी एक दूसरे को बुरा भला कहा मुसलमान ने कहा उस ज़ात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया वालों पर बुजुर्गी दी और यहूदी ने कहा उस ज़ात की कसम जिसने मूसा मूसम को तमाम दुनिया वालों पर बुजुर्गी दी इस पर मुसलमान ने हाथ उठाकर यहूदी के तमाचा मारा वो यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़दमत में हाज़िर हुआ और मुसलमान के साथ अपने वाक़े को बयान किया फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसलमान को बुलाया और उनसे वाक़े के मुतल पूछा उन्होंने आपको इसकी तफसील बता दी आपने इसके बाद फ़रमाया मुझे मूसा अलैहि सलाम पर तरजीह न दो लोग क़यामत के दिन बेहोश कर दिए जाएंगे मैं भी बेहोश हो जाऊँगा बेहोशी से होश में आने वाला सबसे पहला शख्स मैं होंगा लेकिन मूसा सलाम को इलाही का किनारा पकड़े हुए पाऊँगा अब मुझे मालूम नहीं कि मूसा भी बेहोश होने वालों में होंगे और मुझसे पहले उन्हें होश आ जाएगा या अल्लाह ताला ने उनको उन लोगों में रखा है जो बेहोशी से मुस्तना हैं। सही बुखारी हदीस नंबर दो उम्र बिन याहजा ने बयान किया उनसे उनके बाप याहिया बिन अमारा ने और उनसे अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्ला ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्ह वसम तशरीफ़ फरमा थे कि एक यहूदी आया और कहा अः अबूलकासिम आपके असाब रदी अल्लाह में से एक ने मुझे तमाचा मारा है आपने दरियाफ़त फरमाया किस उसने कहा कि एक अंसारी ने आपने फ़रमाया कि उन्हें बुलाओ वो आए तो हज़रत सल्लाह वसलम ने पूछा क्या तुमने इसे मारा है उन्होंने कहा कि मैंने इसे बाज़ार में ये कसम खाते सुना उस ज़ात की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों पर बुजुर्गी दी मैंने कहा खबीस, क्या मोहम्मद अलैहि वसल्लम पर भी मुझे गु़स्सा आया और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा इस पर नबी करीम फरमाया देखो अंबिया में बाहम एक दूसरे पर इस तरह बुजुर्गी न दिया करो लोग कयामत में बेहोश हो जाएंगे अपनी कब्र से सबसे पहले निकलने वाला मैं ही होऊंगा लेकिन मैं देखूंगा कि अर्श इलाही का पाया पकड़े हुए हैं अब मुझे मालूम नहीं कि सलाम भी बेहोश होंगे और मुझसे पहले होश में आ जाएंगे या उन्हें पहली बेहोशी जो तूर पर हो चुकी है वही काफ़ी होगी सही बुखारी हदीस नंबर दो हज़ार चार सौ बारह हमाम ने बयान किया उनसे कतादा ने और उनसे अनसरदी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि एक यहूदी ने एक लड़की का सर दो पत्थरों के दरमियान रख कर कुचल दिया था उसमें कुछ जान बाकी थी उससे पूछा गया कि तेरे साथ ये किसने किया है क्या फ़लाने फलाने जब उस यहूदी का नाम आया तो उसने अपने सर से इशारा किया कि हाँ यहूदी पकड़ा गया और उसने भी जुर्म का इकरार कर लिया नबी करीम अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और उसका सर भी दो पत्थरों के दरमियान रख कर कुचल दिया गया सही बुखारी हदीस दो हज़ार चार सौ तेरह अब्दुल्ला बिन दीनार ने बयान किया उन्होंने कहा कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर अदियाल्ला से सुना आपने कहा कि एक सहाबी कोई चीज़ ख़रीदते वक्त धोखा खा जाया करते थे नबी करीम वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जब तू खरीदा करे तो कह दिया कर कि कोई धोखा ना हो बस वो इसी तरह कहा करते थे सही बुखारी हदीस नंबर 2414 इब्ने अभी जाब ने बयान किया उनसे मोहम्मद बिन मुनकदर ने और उनसे जाबिर कि एक शख्स ने अपना एक गुलाम आज़ाद किया लेकिन उसके पास इसके सिवा और कोई माल ना था इसलिए नबी करीम अलैहि वसल्लम ने उसे उसका गुलाम वापस कर दिया और उसे नईम बिन नजाम ने खरीद लिया सही बुखारी

ताकि किसी मुसलमान का माल नाजायज तौर पर हासिल कर ले तो वो अल्लाह ताला के सामने इस हालत में हाजिर होगा कि अल्लाह पाक उस पर नहायत ही गज़बनाक होगा रावी ने बयान किया इस पर आशासा रजी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की कसम मुझसे ही मुत्ल एक मसले में रसूल करीम सलील वसलम ने यह फरमाया था मेरे और एक यहूदी के दरमियान एक ज़मीन का झगड़ा था उसने इनकार किया तो मैंने मुकदमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में पेश किया आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ़ फ़रमाया क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है मैंने कहा कि नहीं उन्होंने बयान किया कि फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से फ़रमाया कि फिर तू कसम खा अश अल्लाह उन्होंने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तो ये झूठी कसम खा लेगा और मेरा माल उड़ा ले जाएगा इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फ़रमाई बेशक वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों से थोड़ी पूंजी ख़रीदते हैं आखिर आयत तक सही बुखारी हदीस नंबर 2416, हज़ार चार ने ख़बर दी उन्हें जहरीने उन्हें अब्दुल्ला बिन काब बिन मालिक रजी अल्लाह ने उन्होंने काब रजी अल्लाह से रिवायत किया कि उन्होंने अपने अभी हजरत रजी अल्लाह से मस्जिद में अपने कर्ज का तकाज़ा किया और दोनों की आवाज़ इतनी बुलंद हो गई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी घर में सुन ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे मुबारक का पर्दा उठाकर पुकारा ऐ काब उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाज़िर हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अपने कर्ज़ में से इतना कम कर दे और आपने आधा कर्ज़ कम कर देने का इशारा फ़रमाया उन्होंने कहा कि मैंने कम कर दिया फिर आपने इब्ने अबी हजरत रजी अल्लाह से फरमाया कि उठ अब कर्ज अदा कर दे सही बुखारी हदीस नंबर 2418 इमाम मालिक ने खबर दी उन्हें इब्ने शहाब ने उन्हें औरवा बिन जुबैर रद्ला ने उन्हें अब्दुल रहमान बिन अब्दुल कारी ने कि उन्होंने उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह से सुना कि वो बयान करते थे कि मैंने हिशाम बिन हकीम बिन हज़ाम रदी अल्ला को सोरे फ़ुर्कान एक दफ़ा इस करत से पढ़ते सुना जो इसके ख़िलाफ़ थी जो मैं पढ़ता था हालांकि मेरी करत खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाई थी करीब था कि मैं फ़ौर ही इन पर कुछ कर बैठूँ लेकिन मैंने उन्हें मोहलत दी कि वह नमाज़ से फ़ारग हो लें इसके बाद मैंने उनके गले में चादर डालकर उनको घसीटा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाजिर किया मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने इन्हें इस करत के ख़िलाफ़ पढ़ते सुना है जो आपने मुझे सिखाई है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि पहले इन्हें छोड़ दे फिर उनसे फ़रमाया कि अच्छा आप तुम करत सुनाओ उन्होंने वही अपनी करत सुनाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह नाजिल हुई थी इसके बाद मुझसे आपने फ़रमाया कि अब तुम भी पढ़ो मैंने पढ़ के सुनाया आपने इस पर भी फरमाया कि इसी तरह नाजिल हुई सात करतों में नाजिल हुआ है तुमको जिसमें आसानी हो उसी तरह से पढ़ लिया करो सही बुखारी हदीस समर दो हज़ार चार सौ उन्नीस अबू हुरेरा रदी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्ह वसलम ने फरमाया मैंने तो ये इरादा कर लिया था कि नमाज की जमात क़ायम करने का हुक्म देकर ख़ुद उन लोगों के घरों पर जाऊँ जो जमात में हाजिर नहीं होते और उनके घरों को जला दूँ सही बुखारी हदीस नंबर 2420 सुफियान ने बयान किया उनसे ने उनसे औरवा ने और उनसे आयश रदी अल्लाह ने कि जमा की एक बांदी के लड़के के बारे में अब बिन जमा रदी अल्लाह और साद बिन अभी वक़ास रदी अल्लाह अपना झगड़ा वसल्लम की खिदमत में लेकर गए हज़रत साद रदी अल्लाह ने कहा या रसोल्ला मेरे भाई ने मुझको वसीयत की थी कि जब मैं मक्का आऊं और ज़मा की बांदी के लड़के को देखूं तो उसे अपनी परवरिश में ले लूं क्योंकि वो उन्हीं का लड़का है और अब बिन जमा ने कहा कि वो मेरा भाई है और मेरे बाप की बांदी का लड़का है मेरे वालिद ही के फ़राश में उसकी पैदाइश हुई है नबी करीम अलैहि वसल्लम ने बच्चे के अंदर कुतबा की वाज़ह मुशाबहत देखी लेकिन फरमाया कि आपद बिन जमा लड़का तो तुम्हारी ही परवरिश में रहेगा क्योंकि लड़का फराश के ताबे होता है और सौदा तू इस लड़के से पर्दा किया कर सही बुखारी हदीस नंबर दो हज़ार चार सौ इक्कीस ने बयान किया उनसे सईद बिन अबी सईद ने और उन्होंने अबू हरेरा रजी अल्ला को यह कहते सुना कि रसूल करीम सलील वसलम ने चंद सवारों का एक लश्कर नजद की तरफ भेजा ये लोग बनु हनीफा के एक शख्स को जिसका नाम समामा बिन असाल था और जो अहले यमामा का सरदार था पकड़ लाए और उसे मस्जिद नबवी के एक सतून से बांध दिया फिर रसूल करीम अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने पूछा समामा तू किस ख्याल में है उन्होंने कहा ए मोहम्मद मैं अच्छा हूँ फिर उन्होंने पूरी हदीस जिक्र की आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि समामा को छोड़ दो सही बुखारी हदीस नंबर दो हज़ार चार सौ बाईस सईद बिन नबी सईद ने बयान किया उन्होंने अबू हरेरा अन्हु से सुना आपने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारों का एक लश्कर नज़द की तरफ़ भेजा जो बनू हनीफा के एक शख़्स समामा बिन असाल को पकड़ लाए और मस्जिद के एक सुतून से उसको बांध दिया सही बुखारी हदीस नंबर दो हज़ार चार सौ तेईस जाफ़र बिन रबिया ने बयान किया उनसे अब्दुल रहमान बिन हरमज़ ने उनसे अब्दुल्लह बिन काब बिन मालिक अंसारी ने और उनसे काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ने क्या अब्दुल्ल बिन अबी हजरत असलमी रज़ी अल्लाह पर उनका कर्ज़ था उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने उनका पीछा किया फिर दोनों की गुफ्तु तेज़ होने लगी और आवाज़ बुलंद हो गई इतने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधर से गुजर हुआ और आपने फ़रमाया ए काब और आपने अपने हाथ से इशारा करके गोया ये फरमाया कि आधे कर्ज की कमी कर दे चुनाचा उन्होंने आधा ले लिया और आधा कर्ज माफ कर दिया सही बुखारी अधिसंबर दो हज़ार चार सौ चौबीस शोबा ने ख़बर दी उन्हें आमश ने उन्हें अबू जुहा उन्हें मसरूक ने और उनसे ख्बरतील् बयान किया कि मैं जाहलीत के ज़माने में लोहे का, का काम करता था और आस बिन वायल काफ़र पर मेरे कुछ रुपये कर्ज थे मैं उसके पास तकाज़ा करने गया तो उसने मुझसे कहा कि जब तक तू मोहम्मद वसल्लम का इनकार नहीं करेगा मैं तेरा कर्ज़ अदा नहीं करूँगा मैंने कहा हरगिज़ नहीं अल्लाह की कसम मैं हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम का इनकार कभी नहीं कर सकता यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हें मारे और फिर तुमको उठाए वो कहने लगा कि फिर मुझसे भी तकाज़ा ना कर मैं मर के दोबारा ज़िंदा होऊंगा और मुझे दूसरी ज़िंदगी में माल और औलाद दी जाएगी तो तुम्हारा कर्ज भी अदा कर दूंगा। इस पर यह आयत नाजिल हुई तुमने उस शख़्स को देखा जिसने हमारी आयतों का इनकार किया और कहा कि मुझे माल और औलाद ज़रूर दी जाएगी आखिर आयत तक सही बुखारी हदीस नंबर 2425